काम कॉपी पेस्ट है और अर्निंग आप देख रहे हैं $130। यहां पर दोस्तों मैं आपको पेज पहले रिफ्रेश करके दिखाता हूं। यहां पर मैंने रिफ्रेश के ऊपर क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं अभी भी $130 पड़े हुए हैं। अमेजिंग मेथड है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आपने महीने के $100 $200 अर्न करने और पाकिस्तानी 50,000 से लेकर 60,000 रुपए की आपकी ऑनलाइन अर्निंग हो जाएगी विदाउट इन्वेस्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको मैंने अभी दिखाया कि मैंने $130 अर्न किए विदाउट इन्वेस्टमेंट, टोटल कॉपी पेस्ट काम है और मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि ये काम आप कर किस तरह सकते हैं और इससे आपको पैसे कैसे मिलेंगे। इससे अमेजिंग मेथड मेरे ख्याल में और कोई भी नहीं हो सकता जिससे आपको महीने के $100 या $200 की ऑनलाइन अर्निंग हो जाए और वो भी कॉपी पेस्ट काम करके, क्योंकि आप जितने भी एड वॉच करते रहे या किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप काम करते रहे उसके ऊपर आपको $1 $2 से ज्यादा अर्निंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप स्कूल के खर्चे के अलावा अपनी एक लाइफ सेटल करें तो उसके लिए बेहतर है कि आप इस तरह का कोई काम करें जो यहां पर मैं खुद कर रहा हूं। आपको अपनी अर्निंग यहां पर दिखाऊंगा, उसके बाद आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरह से यह काम करके विदाउट इन्वेस्टमेंट महीने के $100-$200 कमा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन आपने दोस्तों यह करना है कि इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि अगर इस वीडियो का कोई एक पार्ट भी आपसे मिस हो गया तो आपसे अर्निंग नहीं होगी, यह मैं आपको पहले बता रहा हूं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि इस तरह की रियल ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी फ्रेंड्स, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सा काम करता हूँ जिसके यहाँ पर मैंने $130 अर्न किए हुए हैं। ठीक है, ये आपके सामने लाइव आ रहा है। इसको मैं दोबारा से पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि किसी बंदे को शक न रहे कि हमें पता नहीं इस तरह से अर्निंग होगी या नहीं होगी। आप देख रहे हैं $130 की अर्निंग पड़ी हुई है। तो आपको इस तरह की अर्निंग करने के लिए सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से स्टेप्स हैं और किस तरह से आपने चारों स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर मैं आपको अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट दिखा देता हूं जिसके ऊपर मैं ये काम करता हूं और मुझे इससे अर्निंग होती है। ठीक है, और व्यूज की आपने टेंशन तो लेनी नहीं है, क्योंकि व्यूज आप देख सकते हैं 7,000 व्यूज, उसके बाद 4,000 व्यूज, 1,500 व्यूज, 1,600 व्यूज और 2,000 व्यूज। तो व्यूज आपके मिलियंस में आएंगे, आपने व्यूज की टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ आपने ये करना है कि सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप ब्लॉगर के ऊपर आकर एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। वेबसाइट किस तरह से क्रिएट की जाती है, मेरे चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, यहां मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जब आप यहां पर ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट बना लेते हैं तो अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि यह आर्टिकल कौन लिखेगा, हमें तो इंग्लिश नहीं आती। आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपके पास आर्टिकल आएंगे। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप चले जाएंगे यहां पर गूगल के ऊपर और आप जाकर सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, आपके सामने प्ले स्टोर आ चुका है। अब जैसे ही आपके सामने प्ले स्टोर आता है यहां पर आपने करना है एप्स के ऊपर क्लिक। ठीक है, अब जैसे आप एप्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर जितनी ऐप हैं वो हमारे सामने ओपन हो गई। आप देख रहे हैं कि जो एप्स यहां पर आपको चाहिए वो आपको यहां पर मिल जाएगी। अब मिलेगी और उसके बाद अर्निंग कैसे होगी, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस ऐप को ओपन कर लेते हैं, कोई भी एक ऐप यहां पर हमने ओपन की। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपने नीचे आ जाना है। ये आप देख रहे हैं अबाउट दिस ऐप, इस जगह के ऊपर ये जो एरो का आपको निशान नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस ऐप के बारे में सारा कुछ बताया गया। ये अगर आप नीचे तक चले जाएं तो इस ऐप के बारे में एक कंप्लीट हमें आर्टिकल मिल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि इस ऐप का फंक्शन क्या है, इसको यूज कैसे किया जाता है, मतलब जो भी ऐप के बारे में हमें चीज चाहिए वो यहां पर हमें मिल जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहां से ये वाला जो आर्टिकल है इसको आपने कर लेना है कॉपी। ठीक है, अब जब इसको आप कॉपी कर लेते हैं तो यहां पर मैं बताता हूं कि हमारा दूसरा स्टेप कौन सा है और उसके बाद हमें अर्निंग कैसे होगी। दूसरा स्टेप दोस्तों आपका यह होगा कि इस जो आर्टिकल को हमने यहां से कॉपी किया है इसको अगर हम जाकर यहां पर अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे तो हमें कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हमने क्या करना है कि यहां पर चले जाना है गूगल के ऊपर और यहां पर आपने सर्च करना है स्पिन बूट। ये स्पिन बूट को जैसे आप सर्च करते हैं तो ये पहला लिंक आपके सामने आ रहा है, इस वाले लिंक को आप करेंगे ओपन। अब जैसे इस लिंक को आप ओपन करते हैं तो यहां पर हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इस आर्टिकल को हमने यूनिक बनाना है। यूनिक का मतलब ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कॉपी पेस्ट करके इसको लगा सकते हैं और उसके बाद हमारी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर आपने करना है पेस्ट के ऊपर क्लिक। ठीक है, और इस जगह के ऊपर आप देख रहे हैं यहां पर आपने उस जो आपने आर्टिकल वहां से कॉपी किया था उसको यहां पर आपने पेस्ट कर देना है। अब आपने क्या किया कि स्टेप वन आपने वेबसाइट क्रिएट की, स्टेप टू के अंदर आपने क्या किया गूगल प्ले स्टोर के ऊपर चले गए और कोई भी आपने जाकर ऐप सिलेक्ट की और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर लाखों करोड़ों की तादाद में ऐप्स पड़ी हुई हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर इतने व्यूज आएंगे, इतनी अर्निंग आएगी, आप खुद परेशान हो जाएंगे। ठीक है,
अब आपने क्या करना है कि आर्टिकल को पूरे का पूरा एक टाइम पे कॉपी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके कॉपी करना है। और यहां पर मैंने जिस तरह आपको दिखाया ये वाला पार्ट मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहां पर आपके सामने आ रहा होगा बेसिक स्पिन, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। अब क्या होगा कि ये आर्टिकल हमें रीराइट करके देगा। ये आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर आप इसको यहां पर पढ़ना शुरू करें तो जो वर्ड्स यहां पर हैं वो वर्ड्स यहां पर नहीं है, हमें एक आर्टिकल मिल गया कॉपी पेस्ट और लिखा लिखाया, लेकिन क्या है कि इसके अंदर कॉपीराइट भी नहीं है। यहां पर इसको करेंगे आप कॉपी, ठीक है। अब जब आपने आर्टिकल कॉपी कर लिया, यहां पर आपने कोई ऐप सिलेक्ट कर ली, जिस तरह मैंने आपके सामने एक ऐप ओपन की, इसी तरह से आपने कोई भी ऐप अपनी मर्जी की ओपन कर लेनी है, और इसको आपने आर्टिकल को स्पिन करके यहां से कॉपी कर लिया, वापस आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब आपने क्या करना है, यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा न्यू पोस्ट का, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक, ठीक है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देख रहे हैं यहां पर इस जगह के ऊपर आकर आपने वो वाला आर्टिकल जो स्पिन किया था उसको यहां पर पेस्ट कर देना है। अब जब आप आर्टिकल को यहां पर पेस्ट कर देते हैं तो आपको मसला आता है व्यूज नहीं आते। अब आपको सिखाता हूं कि व्यूज कैसे आएंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को जो इसका टाइटल है इसको यहां से आप करेंगे कॉपी, ठीक है, और इस टाइटल को आप यहां पर करेंगे पेस्ट। अब हमने इसका आर्टिकल का जो टाइटल था वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए आर वाई ज़ेब। अब इस ऐप का नाम आपने यूज़ करना है और यहाँ पर इसको आपने करना है कॉपी, ठीक है। इसको आप कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाए थोड़ा सा इस साइड पे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक, और वो जो आपने वहाँ से नाम कॉपी किया था वो आपका कीवर्ड बन जाएगा जिसके ऊपर आपका आर्टिकल रैंक करेगा। जब आपका आर्टिकल रैंक होगा तो आपको व्यूज़ भी आएंगे और आपको अर्निंग भी आएगी। यहाँ पर इसके ऊपर आप क्लिक करें, इसको आप पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप कॉमा लगा दें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो आर्टिकल का टैग होगा यहाँ पर आपके टैग्स लग जाएंगे, और जितने मतलब आप टैग्स यूज़ करेंगे ऐप से रिलेटेड, उसके मतलब फंक्शन से रिलेटेड, तो आपकी मतलब कि वेबसाइट और आपके आर्टिकल के रैंक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जब आप यहाँ पर लगा लेते हैं तो आपने क्या इस जगह के ऊपर आपने तस्वीर लगा देनी है, और तस्वीर लगाने के लिए सिंपल आप यहां पर इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहां पर आप तस्वीर भी लगा सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपने यहां पर पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। जब आपका आर्टिकल 15-20 आप अपलोड कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, उसके बाद आपने सिर्फ यहां पर इसके ऊपर चले जाना है। मैं आपको दिखाता हूं एडसेंस के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा अर्निंग का, इस जगह के ऊपर, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहां पर आपको अर्निंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपना एडसेंस अकाउंट जिस तरह मैंने लिंक किया हुआ है वो आप इसके अंदर लिंक करेंगे। जब भी आपके आर्टिकल के ऊपर कोई बंदा जाएगा, विजिटर जाएगा, उसकी आपको अर्निंग होगी, जिस तरह यूट्यूब की अर्निंग होती है सेम इसी तरह ब्लॉगिंग की भी अर्निंग होती है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।